हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम पूनम चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि सेल जो है वो बेसिकली किन किन चीजों से मिलकर बना होता है और इसमें हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी सेल है तो वो सेल यूकैरियोटिक सेल तीन चीजें उसमें जरूरी है उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे पहला तो उसका आउटर लेयर, और इस आउटर लेयर को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, ये सबसे जरूरी है और ये हर सेल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, ये हर तरह के सेल में पाया जाता है। उसके बाद ये जो इसके बीच का आपको जगह दिखाई दे रहा है, जो मेन अरीना है, और इसी जगह पर सारे एक्टिविटीज होते हैं और सारे कॉम्पोनेंट्स यहीं पर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, और थर्ड वन इज द न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस होता है ये जरूर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, बट यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो ये जो तीन चीजें हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड आपका सेल मेम्ब्रेन, ये तीन जो है ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एक सेल की। इन तीनों के बिना कोई भी सेल सरवाइव नहीं कर सकता, और ये तीन जरूरी हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल में। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन सबसे आउटर में प्रेजेंट है, ठीक है, सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो सबसे बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करना और उसको सपोर्ट देना, ठीक है, और उसको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले हम जितने भी ऑर्गेनल्स या फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो उसमें दो चीजें देखेंगे, एक स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन नेचर में लिविंग होता है। ओके, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका नेचर होता है लिविंग। आगे हम बात करेंगे सेल वॉल की, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, तो वो डेड होता है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है आपका ये नेचर में होता है लिविंग। ओके, एंड आउटर कवरिंग। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सबसे बाहर में प्रेजेंट होता है, ये आउटर कवरिंग है सेल का। उसके बाद ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सेलेक्टिवली परमिएबल? सेलेक्टिवली का मतलब कि वो चुन चुन के सेलेक्ट करके चीजों को, परमिएबल का मतलब अपने अंदर से आने देना, अपने अंदर से क्रॉस करने देना। ओके, क्योंकि ये सेल के बाहर प्रेजेंट है और सेल के बाहर जो एनवायरमेंट होता है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, या फिर सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसके भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनसाइड और आउटसाइड अगर किसी चीजों को क्रॉस करना है, मींस ट्रांसपोर्टेशन करना है, अगर किसी चीज को सेल के बाहर से अंदर आना है या फिर सेल के अंदर से बाहर जाना है, तो ये डिसाइड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये हर चीजों को अलाउ नहीं करता अंदर, या फिर अंदर से बाहर हर चीजों को अलाउ नहीं करता। तो ये सेलेक्ट करके चीजों को क्रॉस करने देता है अपने मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर, इसीलिए इसे हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट, इट इज इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। सेल मेम्ब्रेन का एक और नेचर होता है कि ये इलास्टिक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। मींस है कि अगर इसके अंदर बहुत सारा पानी भर दिया जाए या फिर इसके अंदर कोई लिक्विड क्रॉस कर जाए तो ये फूल जाएगा, स्वोलन हो जाएगा, और या तो इस सेल के अंदर से बाहर आ जाए पानी तो फिर ये श्रिंक कर जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इलास्टिक है नेचर में। तो फिर नेक्स्ट है आपका कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है ये बना होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसे हम कहते हैं ये लिपिड और प्रोटीन्स, ठीक है, मेनली लिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है। इसके अलावा उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिससे वो बनता है वो होता है लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, अब फंक्शन क्या है, इसके फंक्शन को देख लेते हैं। तो फंक्शन से पहले हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन से पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा बना होता है। अगर ये सेल है, सपोज दैट दिस इज अ सेल, तो सेल के अगर मेम्ब्रेन को हम जूम करके देखें, सपोज दैट इसको हम, ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो अब अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें जूम करके, तो ये कैसा दिखेगा? तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर ये होता है लिपिड, ठीक है, ये लिपिड है, और ये लिपिड देखिए एक लेयर ऊपर है एक लेयर नीचे है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिपिड बाई लेयर। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो लिपिड बाई लेयर होता है, मीन्स लिपिड के दो लेयर होते हैं उसमें। उसके बाद आपको ये बीच में दिख रहा है,
लिपिड के साथ प्रोटीन भी है, तो प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होगा? कुछ प्रोटीन तो ऐसे होते हैं जो पूरे मेम्ब्रेन को कवर करके रखते हैं, मीन्स एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन तक पूरे के पूरे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं हम, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन मतलब ये हेल्प करता है चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद कुछ यहाँ प्रेजेंट है, कुछ यहाँ प्रेजेंट है, मीन्स उसके सरफेस पर प्रेजेंट है। तो इस तरह के भी प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं लिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर, लिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर। हर चीजें, जितनी भी चीजें हैं, वो डायरेक्ट इसको क्रॉस करके नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो लिपिड का नेचर होता है ना, ये होता है वाटर लविंग, और इसके बीच का जो जगह होता है वो होता है वाटर हीटिंग, ठीक है। मीन्स अगर कोई वाटर है तो वो क्या करेगी, यहाँ तो आ जाएगी लेकिन इस एरिया को क्रॉस नहीं कर सकता है वो, क्योंकि वो वाटर हीटिंग है, वो वाटर को अलाउ ही नहीं करेगा अपने अंदर से आने के लिए। लेकिन वाटर का जरूरत तो सेल के अंदर होता है, तो फिर वो वाटर कैसे जाएगा अंदर? तो वो वाटर इस कैरियर प्रोटीन की हेल्प से जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है चीजों के ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, ओके। तो आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। 9th क्लास में इतना ही पढ़ना है, हायर क्लास में आप और ज्यादा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अब फंक्शन को देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन, क्योंकि ये सेल के बाहर में प्रेजेंट होता है तो ये सेल को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है कि सेल कैसा होगा। उसके बाद हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही वो है ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मॉलिक्यूल्स के हेल्प करता है। उसके बाद इट इंगल्फ फूड और अदर मटेरियल, ठीक है। अब क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, तो ये चीजों को एंगल्फ भी कर सकता है। बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो चीजों को एंगल्फ करते हैं। ये सपोज दैट आप एक अमीबा को ले लो, दिस इज द अमीबा, ठीक है। तो ये तो एक सेल का बना होता है बेचारा, तो अब ये फूड कैसे खाएगा? ये अब उसी मेम्ब्रेन के थ्रू ही खाएगा। तो ये क्या करता है, सपोज दैट ये यहाँ पर इसका फूड प्रेजेंट है ना, तो ये क्या करेगा, इस अपने इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इस तरह से एक्सटेंड करेगा, स्यूडोपोडिया बनाएगा और इसको एनगल्फ कर जाएगा, मीन्स उसको खा जाएगा, निगल जाएगा और उसके बाद इसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में भी होते हैं जो इनगल्फ करते हैं, ओके। जैसे कि मैक्रोफेज हो गया, वो इनगल्फ करता है। अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट घुस गया, कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो फिर मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनके साथ फाइट करते हैं और उनको एनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। तो ये एनगल्फ करने में भी हेल्प करता है। इट होल्ड्स द कंटेंट ऑफ द सेल। अब आप जैसे कि जानते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गॉल्जी एपरेटस, तो जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको होल्ड करके कौन रख रहा है, मतलब इनको बाहर नहीं जाने दे रहा, अंदर ही रख रहा है, कौन? ये सेल मेम्ब्रेन। तो ये था इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।